आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अमित शाह ने पुलिस अधिकारी प्रवेश डार के परिजनों से की मुलाकात, शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों के साथ पत्नीटॉप सनासर में हुई ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। दुष्कर्म के आरोपी सब जज को 10 साल की कैद की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सब जज पर लगाया सजा के साथ 50,000 का जुर्माना। अमित शाह ने बढ़ते आतंकवाद व कट्टरता पर किया अधिकारियों को जवाब तलब, हाई लेवल मीटिंग में लंबी मुठभेड़ों पर उठाए सवाल। बाटा दूरिया के जंगलों में 13वें दिन भी जारी रहा सैन्य अभियान, अभी तक आतंकियों का नहीं लगा कोई सुराग। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर लगाया धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप, कहा वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए माहौल नहीं है ठीक। त्राल में भूस्खलन से गुज्जर परिवार के 3 लोगों की मौत, नूरबाग इलाके में हुए हादसे में 1 हुआ गंभीर रूप से घायल। बर्फबारी से मुगल रोड पर भी थमे वाहनों के पहिए, सेना ने किया पीर की गली से 12 लोगों का रेस्क्यू। युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की मांग दोहराई, मांग पूरी ना होने पर किया जम्मू में तवी ब्रिज को जाम। जम्मू में भारी ओलावृष्टि से किसानों की 6 माह की मेहनत पर फिरा पानी, ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह हुई बर्बाद। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल को देख बिफर उठे किसान, किसानों ने मांगा सरकार से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा। रियासी जिले के चकलास में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मृतकों की पहचान बानो देवी, मोहम्मद इमरान और मुर्शीद अली के रूप में हुई। शोपियां में जल्द हिमपात से सेब के बगानों को पहुंचा भारी नुकसान, किसानों को नहीं मिला फल उतारने का पर्याप्त समय। अमित शाह की रैली को लेकर जम्मू में बदला गया सभा स्थल, बारिश के मद्देनजर अब जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगी जनसभा। पैंथर्स ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग दोहराई, बोले प्रदेश में जल्द चुनाव करवा लोगों को सरकार चुनने का मिले मौका। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा ने की चैंबर से मुलाकात, बोले टारगेट किलिंग करने वालों को कुत्ते की मौत मार रहे जवान। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते बड़ा जम्मू तवी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को तवी नदी से दूर रहने की दी सलाह। कश्मीर जा रहे शिव सैनिकों को लखनपुर में रोका, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग पर जलाया इमरान खान का पुतला। कल खराब मौसम के चलते दोनों तरफ से बंद रहेगा जम्मू श्रीनगर हाईवे, लोगों का लैंडस्लाइड एरिया से दूर रहने की जारी की गई चेतावनी। जम्मू में बारिश तूफान के बीच जमकर हुई ओलावृष्टि, कई वर्षों बाद लोगों ने देखी ऐसी बारिश व ओलावृष्टि। सेंट्रल महानसभा ने लैंड एक्ट में नए संशोधन को करार दिया अधूरा संशोधन, कहा इससे बिरादरियों में बढ़ेगी दूरी, सबको मिले एक समान अधिकार। अपनी पार्टी यूथ विंग ने पत्रकार वार्ता कर रखी सरकार के समक्ष मांग, फास्ट ट्रैक पर 48 विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की उठाई मांग। आल ब्रिक किलन एसोसिएशन ने बिशन सिंह को घोषित किया अध्यक्ष, राजस्थान व पंजाब से आने वाली ईंट पर रोक लगाने की उठाई मांग। बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं पर एस्कॉन ने किया प्रदर्शन, कहा भारत सरकार को हत्याएं रोकने को बनाना होगा बांग्लादेश पर दबाव।
कारगिल में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी, रास्ते बंद होने की चिंता को लेकर लोग जुटाने लगे जरूरी सामान। किश्तवाड़ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस, हिम तेंदुए के संरक्षण के बारे में लोगों में फैलाई गई जागरूकता। बर्फबारी के चलते किश्तवाड़ सिंथन राजमार्ग हुआ वाहनों के लिए बंद, श्रीनगर से आ रहे कई यात्रियों को पैदल तय करना पड़ा सफर। सेना ने किया नाइक बलवान चंद मेमोरियल पीर पंजाल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कुश्ती में भाग लेकर 100 से अधिक पहलवानों ने दिखाया दमखम। एकजुट जम्मू ने उठाई जम्मू को अलग करने की मांग, कहा जम्मू को अलग करने से ही सुधरेंगे कश्मीर के हालात। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।